नमस्कार, मैं नंदिनी मोदी और स्वागत है आपका लेटर वीकली मसाला की नई पेशकश में। तो आज हम कुछ इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं फिर हम आपको बात बताएंगे सलमान खान के साथ साथ ऐसे कौन से बॉलीवुड के सितारे हैं जिनके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का निशाना है। मस्त जोक मारा। फिर हम आपको बात बताएंगे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बारे में। जी हाँ, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में दया बहन की जगह कौन लेगा। फिर हम आपको बात बताएंगे मैगी की। जी हाँ, मैगी के साथ ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको सब देख कर हैरान हो गए। फिर हम बात करेंगे मोमोज की। जी हाँ, मोमोज तो हम सभी को बेहद पसंद होते हैं, लेकिन मोमोज खाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सबका हाव भाव एकदम बदल गए। फिर हम आपको बात बताएंगे किंग खान के बारे में। जी हाँ, किंग खान महिला क्रिकेट टीम के ओनर बन चुके हैं। और आखिर में हम आपको बताएंगे उर्फी जावेद ने आखिर ऐसी कौन सी ड्रेस पहन दी जिसको देखकर फैंस का ऐसा रिएक्शन था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। जी हाँ, अग्निपथ योजना के विरोध में 369 रेलगाड़ियों की रफ्तार थाम दी गई। असंभव, असंभव। और रेल मंत्री की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई अग्निपथ योजना के विरोध की आग पूरे देश में फैल चुकी है। यूपी, बिहार, हरियाणा से लेकर तेलंगाना प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। कई राज्यों के हालात चिंताजनक हो गए हैं। कई जगह ट्रेनों में आग लगा दी गई, जिससे देश भर में शनिवार को 369 ट्रेनें प्रभावित हुई। रेलवे के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। और गौरतलब यह है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए नई अग्निपथ योजना लॉन्च की है। अग्निपथ योजना का ऐलान करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इनमें से 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। इनमें से 25% युवाओं को नियमित सेवा के लिए बरकरार रखा जाएगा, तो बाकी बचे 75% को उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद सेवा नेतृत्व करने का प्रस्ताव है। सरकार की इस घोषणा के बाद से विपक्ष और युवाओं के विरोध में सड़कों पर आ चुके हैं। उन्होंने सड़कों और रेल की पटरियों को अवरुद्ध कर दिया है। इतना ही नहीं, कई ट्रेनों के डिब्बों में आग भी लगा दी गई है। तो अब देखना यह है कि ये अग्निपथ योजना का विरोध कब तक थमेगा। तो चलिए अब हम आपको बात बताएंगे बॉलीवुड की दुनिया की। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जी हाँ, हम सभी को पता ही है कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मौत की धमकी मिली थी। लेकिन सलमान खान के साथ साथ बॉलीवुड के एक और सितारे हैं जिनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक और धमकी मिली है। बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिली धमकी की गुत्थी अभी तक सुलझी ही नहीं थी। लेकिन एक जांच के बाद पता लगा, मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला केस में पकड़े गए आरोपी सौरभ कांबले उस महाकाल के पूछताछ के दौरान इस बात का पता लगा है कि बिश्नोई गैंग के निशाने पर फिल्म इंडस्ट्री के एक और शख्स शामिल हैं। जी हाँ, सलमान खान के अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक और निर्माता करण जौहर भी थे। सौरभ ने बताया पुणे पुलिस को कि कथित रूप से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कहीं ना कहीं फिल्म निर्देशक करण जौहर का जिम्मेदारी है। क्या बोला तूने? इसके लिए फिल्म मेकर करण जौहर को धमकी देकर 5 करोड़ की रंगदारी वसूलने की तैयारी भी थी। तो चलिए हम आपको बात बताएंगे सबके पसंदीदा शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बारे में। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। जी हाँ, सबके पसंदीदा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिशा वखानी की रिप्लेसमेंट करी जा रही है। मतलब अब दया बहन तारक मेहता के उल्टा चश्मा में नहीं रहेंगी। और ये शो सबसे ज्यादा पॉपुलर शो है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी ये सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और इन दिनों ये शो लगातार चर्चा में बना हुआ है। दरअसल दया बहन के रोल के लिए दिशा वखानी की वापसी को लेकर बहुत ज्यादा अड़चनें आ रही हैं। हालांकि वे अभी तक वापस तो नहीं आई हैं और मेकर्स दया बहन के किरदार के लिए लगातार ऑडिशन ले रहे हैं। इस बीच खबर ये आई है कि एक्ट्रेस राखी विजन को अप्रोच किया जा रहा है। गारी, गारी। तो आखिर में देखना ये रह जाएगा कि क्या सच में राखी विजन दया बहन का रोल के किरदार में आ पाएंगे या नहीं। नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं मैगी की। जी हाँ, हम सभी को मैगी तो बेहद ही पसंद है, लेकिन एक शख्स ने बनाई है मैगी में पान मसाला डालकर, जिसने सारी हदें ही पार कर दी। सोशल मीडिया पर आए
आए दिन नए नए वीडियो वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो को देखकर दिन बन जाता है तो कई लोगों की हरकतों पर गुस्सा भी आने लगता है। आजकल खाने की रेसिपी को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हाल ही में सिंपल तरीके से बनाई जाने वाली मैगी मैंगो मैगी के रूप में बनाई गई, लेकिन वहीं अब एक शख्स ने मैगी के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जिसने सारी हदें पार कर दी। इस वीडियो को देखकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन जिस शख्स ने मैगी के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया वो बड़े चाव से इसे खा रहा है। क्या आप देख सकते हैं इसे? तो चलिए, अब हम खाने की बात तो कर ही रहे हैं तो हम साथ साथ बात बताते हैं मोमोज की। जी हाँ, मोमोज तो हम सभी को बेहद पसंद है, लेकिन मोमोज खाने के बाद ऐसा एक शख्स के साथ क्या हुआ? जी हाँ, मोमोज खाने के शौक रखने वालों के लिए ये कितना जानलेवा हो सकता है। इसका उदाहरण हाल ही में एम्स में आए एक नए मरीज को देखकर पता चला। गले में मोमोज फंसने के बाद एक शख्स की जान चली गई। ये मोमोज खाते वक्त हुई मौत से जुड़ा अपने आप को अलग तरीके से केस बन चुका है। मोमोज से जान जाने का पता उसे उस वक्त पता लगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। ये मामला साउथ दिल्ली का है जिसमें मोमोज खाते वक्त शख्स की जान चली गई। मोमोज खाने के बाद व्यक्ति बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसे पास के अस्पताल में लेकर जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद एक पोस्टमार्टम एम्स में हुआ, फिर फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर ने बताया कि ये मर चुका है। तो जो भी मोमोज खाने वाले लवर्स हैं वो मोमोज ढंग से खाएं, उनको चबा के खाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो चलिए, अब हम बात करते हैं शाहरुख खान की। जी हाँ, किंग खान अब महिला क्रिकेट टीम के ओनर बन चुके हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए अपना एक्साइटमेंट दिखाया। शाहरुख खान इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि उनकी कई फिल्में इन दिनों रिलीज होने वाली हैं, लेकिन अब वो दूसरी वजह से भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल शाहरुख खान अब महिला क्रिकेट टीम के मालिक बन चुके हैं। इस घोषणा के बाद उनकी क्रिकेट टीम और यूएसए MLC T20 अप्रैल में ग्रेट लॉस एंजेलस के एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में होने जाएगा। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक नई महिला क्रिकेट टीम से इस साल होने वाले वुमेन्स कैरेबियन प्रीमियर लीग WCPL के उद्घाटन में मौके पर शामिल होंगे। अपनी नई टीम का नाम शाहरुख खान ने ट्रिबोग नाइट राइडर्स रखा। इसकी जानकारी खुद उन्होंने ऑफिशियल हैंडल ट्विटर पर साझा की। टीम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, सबसे पहले नाइट राइडर टीम महिलाओं को हेलो करेगी। महिला CPL के इनॉग्रेशन में ये टीम भी लड़ेगी, जिसकी शुरुआत 30 अगस्त को हो गई। मजा नहीं आ रहा है। और अब हम आखिर में बात करेंगे उर्फी जावेद के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, उर्फी जावेद अपनी जानी मानी ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी कौन सी ड्रेस पहन दी जो उनके यूजर्स ने बोला इसे जूम में भेजो। जी हाँ, उर्फी जावेद ने फॉइल पेपर से बनी ड्रेस पहनी और वो सैर पे निकली। टीवी के मशहूर एक्ट्रेस उर्फी जावेद इन दिनों बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। एक्ट्रेस अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अभी बीते दिन उर्फी जावेद ने फ्लावर से बनी हुई ड्रेस का फोटोशूट करवाया था। वहीं एक बार फिर उर्फी जावेद ने अजीब गरीब ड्रेस के कारण चर्चा में बन गई हैं। दरअसल उर्फी जावेद ने एल्युमिनियम फॉइल पेपर से बनी ड्रेस पहनकर बाहर निकली। जनता माफ नहीं करेगी। और फॉइल पेपर से बनी हुई इस ड्रेस को पहनने के बाद फैंस भी कमेंट करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने उर्फी का मजाक बनाते हुए लिखा, कोई इसे जू में डालो भाई। गजब बेइज्जती है। वहीं एक यूजर ने उर्फी जावेद की ड्रेस पर तंग कसते हुए लिखा, अरे मैडम ये भी क्या पहना है, इतनी मेहरबानी किसके लिए। साथ ही साथ मीडिया के सामने उन्होंने अपने जमकर पोज भी दिए। और ऐसे ही देखते रहे लेटर वीकली मसाला, और जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो इसमें से पार्ट वो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।